नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लो ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊँगा मोबाइल के अंदर चार्जिंग जैक चेंज करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोबाइल है जियो लाइफ का, जियो का एक मोबाइल है जिसका चार्जिंग जैक ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइव से इसके सभी पेच खोल लेते हैं। दोस्तों, ये वही लाइव 4G फ़ोन है जो जियो कंपनी ने निकाले हैं। तो सबसे पहले पेच खोलने के बाद आप ओपनर या अपने नाखून से इसकी बॉडी को इस प्रकार खोल सकते हैं जैसा कि मैं खोल रहा हूं। लेकिन इस खोलते वक्त आपको ध्यान भी रखना है कि कोई चीज़ बॉडी के पिछले हिस्से से चिपकी न हो। अगर चिपकी हुई तो वो ख़राब हो सकती है या टूट सकती है, जैसे कि डिस्प्ले का पत्ता जो होता है, डिस्प्ले के तार जो होते हैं वो। इसलिए देखिए, यहाँ पे पीछे एक टेप लगी हुई है जिस पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, तो इसको काटना हमें पड़ा और उसके बाद ये आराम से खुल गया है। अब ओपनर की मदद से इसको हमने हटा दिया है। देखिए, इसका पीसीबी मदरबोर्ड निकल गया है। अब इस पीसीबी मदरबोर्ड को हम बॉडी से अलग कर लेंगे। अब देखिए, इसका चार्जिंग पिन जो है उसको हम SMD की मदद से निकालेंगे। SMD मशीन, जिसको हॉट एयर गन मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, फिर इस पे पेस्ट लगाएंगे, सोल्डरिंग पेस्ट लगा के फिर SMD को चालू करके SMD से इसे निकालेंगे। पहले हम इसको देख रहे हैं कि ये ख़राब है या सही है। वैसे ये ख़राब है, और दूसरी चीज़ इसका हमने मैच भी किया है देख के। अब देखिए, हमने इसके ऊपर पेस्ट लगाया है। इसकी जितनी भी पिनें हैं, 5 पिन तो इसके अंदर, 5 पिन इसके अंदर होती हैं दोस्तों, और बाकी जो पिनें होती हैं वो इसकी सपोर्ट के लिए, इसको चिपकाए रखने के लिए यूज की जाती है, यूज में ली जाती हैं। अब इस पर हम पेस्ट लगा लिया है। अब SMD से हम इस पर SMD को चलाकर इसको हम निकालेंगे। SMD का यूज कैसे किया जाता है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने चिमटी से जैक को पकड़ा हुआ है और ऊपर से SMD से इस पर गर्म हवा मारकर इसको अलग कर दिया है, इसको हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, जब ये इसके जो प्रिंट हैं वहाँ की सोल्डरिंग होती है वो पिघल जाए, उसके बाद ही आपको खींचना है। ज़बरदस्ती आपको इसको नहीं खींचना है चिमटी से। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो इसके जो प्रिंट होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे और उपड़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसको जिगर जंपर मारना पड़ेगा आपको। तो जंपर कैसे मारते हैं उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिस मोबाइल के प्रिंट उखड़े हुए हों उस पर जंपर कैसे मारते हैं, तो वो ट्रेसिंग में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब आयरन की मदद से पिन को बिल्कुल साफ कर लेना है, और यहाँ पे 2 छेद भी दिए हुए हैं ताकि जैक की पिन, जो जैक है चार्जिंग जैक, उसकी पिन इसके अंदर आराम से फंस सके और फिर उसको सोल्ड किया जा सके। तो इसमें 2 छेद भी दिए हुए हैं और पीछे 5 पिन चिपकाने के लिए
पांच लाइन है, पांच प्रिंट हैं। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा के अच्छे से साफ कर लेना है। अब देखिए मैं एक ब्लेड की मदद से इसके छेद को साफ कर रहा हूँ। ये वो छेद हैं जिसमें हमारे जैक की पिन, हमारा जैक इसमें फिट होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। ये दो छेद हैं, एक ये और एक ये वाला और एक इससे अगला वाला, ठीक है, जिसमें हमारा जैक फिट होता है, ठीक है। और दो नीचे की तरफ हैं, चार छेद है टोटल, ठीक है। मेन तो दो ही हैं, दो चिपका दोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए सेम मैच करके आपको जैक चुनना पड़ता है। जैसा वो जैक था वही उसी टाइप का जैक आप इसमें लगा सकते हो, दूसरा इसमें नहीं लगेगा। अगर आपने लगा भी दिया किसी तरह से तो वो बॉडी के अंदर फिट नहीं बैठेगा। तो जैक को देखना भी पड़ता है, जैक की पिन, जैक के साइज को देखना पड़ता है। अब हमने जैक चूज कर लिया है, अब इसको इसके ऊपर बैठाएंगे। सबसे पहले जैक की जो पांच पिनें होती हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के थोड़ा सा शोल्डर लगा लेंगे ताकि वो पिन चिपकने में आसानी हो, आसानी से चिपक जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम पेस्ट पहले लगा लेते हैं ताकि आसानी से चिपक जाए। इसकी पांच पिन जो होती हैं उस पर हमने पेस्ट लगाया है और इसको थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग, इस पर एक बार हम आयरन फेर देंगे, जिससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। ये पिन आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे ताकि ये पिन के ऊपर सोल्डर चिपक जाए और ये जब हम इसको चिपकाएं बाद में तो ये आराम से चिपक जाए, ठीक है। अब इस जैक को हम इस पर फिट करते हैं। देखिए दो बड़े छेद थे और दो पीछे की तरफ छोटे छेद थे, उसमें हमने जैक को फिट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे की साइड जो होती है, वहाँ से हम इसको सोल्ड करेंगे, क्योंकि इस जैक की जो सपोर्ट वाली पिन होती हैं जिनको हम सोल्डरिंग करते हैं तो वो नीचे की तरफ निकल आती है। तो नीचे से हम इसको सोल्ड करते हैं ताकि जैक हमारा फिट हो जाए। इन पिन का काम, ये जो चार पिन है जिनको हम नीचे से सोल्ड करते हैं, इनका काम बस इतना ही है कि जैक को ये रोक के रखे, जैक को सपोर्ट करे, इसे उखड़ने ना दें। और जो पांच पिनें होती हैं उनका काम होता है डाटा ट्रांसफ़र, यानी कि यूएसबी का काम होता है और चार्जिंग का काम होता है। अब हम ऊपर की साइड भी दो पिन, ऊपर की साइड से भी इसकी जो सपोर्ट वाली पिन है उनको सोल्ड कर रहे हैं ताकि अच्छे से चिपका रहे। ऊपर की तरफ से भी हम इसको सोल्ड कर देंगे नीचे से करने के बाद ऊपर की तरफ, ठीक है। लास्ट में इसकी जो पांच पिने हैं उनको हम सोल्ड करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको कोई सोल्डरिंग तार वगैरह नहीं लगाना है, उस पर थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लगा देना है, सोल्डरिंग पेस्ट लगा के और ऊपर से हल्का हल्का आयरन से उसको दबाना है तो वहीं की वहीं चिपक जाएंगी। दोस्तों इस चैनल पे हम कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग आपको सिखाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हमारे दो चैनल और हैं, उन चैनलों को हमने अपने इस चैनल के अबाउट में और फीचर चैनल में जोड़ के रखा है। अब देखिए इसकी पांच पिने हैं, अब ध्यान से देखिए इसकी पांच पिने हैं, उन पे हम आयरन से उनको दबाएंगे नीचे की तरफ
जब गर्म आयरन इस पर लगेगी पिन पे तो वो नीचे प्रिंट पे चिपक जाएगी पांचों की पांचों। और याद ध्यान रखिए, पिन को चिपकाने के बाद एक बार देखना आवश्यक है कि वहीं आपस में तो कहीं वो नहीं चिपक गई हैं। अगर आपस में चिपक गई होंगी तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, यूएसबी काम नहीं करेगा, ठीक है। सभी पिनें अलग अलग होनी चाहिए। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के काफ़ी सारे पार्ट हमने अभी अपलोड किए हैं, तो हम कंपोनेंट पे पार्ट बना के अपलोड कर रहे हैं। और सबसे पहले कंपोनेंट, फिर आईसी, फिर आपको सिखाएंगे मेन चीज़ माइक स्पीकर लगाना, सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाते रहेंगे हम, ठीक है। और कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर का कोर्स भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कौन कौन से चीज़ों का यूज है, सभी चीज़ें आपको बताएंगे। बस चैनल के साथ बने रहें, हम धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। अब देखिए, जैक हमारा डल चुका है, ठीक है, चेंज हो चुका है। अब देखिए, पिन हमारी बिल्कुल अलग अलग है और सही चिपकी है, ये काम हमारा हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।